हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रोमांटिक कॉमेडी मूवी को जो 2006 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है इट्स अ बॉय गर्ल थिंग, जिसे डायरेक्ट किया था निक हरान ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार। इस मूवी में लड़की लड़के की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और लड़का लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हम बुडी नाम के लड़के और नेल नाम की लड़की को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए बुडी हमेशा उसे परेशान करता रहता है। बुडी और नील एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बुडी एक शरारती लड़का होता है जिसे म्यूजिक और फुटबॉल बहुत पसंद होता है, वहीं दूसरी तरफ नील एक शांत स्वभाव और पढ़ाकू लड़की होती है जिसके काफी कम दोस्त होते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों क्लासमेट भी होते हैं। एक बार स्कूल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को म्यूजियम ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट देता है और बुडी और नील को पार्टनर बनना पड़ता है। ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक साथ असाइनमेंट करना पड़ता है। फिर दोनों एक स्टैचू के सामने बहस करने लगते हैं। जब दोनों झगड़ रहे होते हैं तब उस मूर्ति से धुआं निकलने लगता है और उन दोनों के अंदर घुस जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब एक मैजिकल सी चीज होती है। बुडी की आत्मा नेल की बॉडी में चली जाती है और नेल की आत्मा बुडी की बॉडी में चली जाती है। फिर सुबह होने के बाद दोनों जागते हैं। दोनों को जागते ही बहुत अजीब ही फील होता है। फिर जब वो दोनों अपनी अपनी बॉडी को देखते हैं तब वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनकी प्राइवेट पार्ट्स बदल चुके हैं। दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। कुछ टाइम बाद दोनों को रियलाइज होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। इसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो एक दूसरे की तरह नाटक करेंगे जब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलता। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की बॉडी में काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेल बुडी की फुटबॉल टीम में जाती है, क्योंकि उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता इसलिए वो बहुत गंदा परफॉर्म करती है। फिर एक दिन नेल फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। जब बुडी उसे देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल्स नहीं पहनता। इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है। तभी बुडी डिसाइड करता है कि वो नेल को सबक सिखाएगा, और वो नेल की बॉडी में होने की वजह से टीचर के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। जब नेल ये सब देखती है तो वो भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि बुडी के ऐसा करने से उसकी इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेल बुडी की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बारे में जब बुडी को पता चलता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और नेल को सबक सिखाने के लिए अगले दिन वो काफी छोटे और सेक्सी कपड़े पहनकर आता है। स्कूल में वो सबके सामने अजीब बिहेव करने लगता है। जब नेल ये देखती है तब उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है। इसके बाद बुडी नेल के सामने निकी नाम के एक लड़के के साथ जाता है। जब नेल ये देखती है तब उसे लगता है कि वो उसके साथ जाकर इंटीमेट होगा और वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं बुडी निकी के साथ होता है और निकी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो निकी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इससे निकी को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है और वो पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला देता है कि वो और नेल एक साथ इंटीमेट हुए थे। जब इसके बारे में नेल को पता चलता है तो वो बहुत नाराज होती है और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद बुडी जब नेल को अपसेट देखता है तो वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल उसने निकी के साथ कुछ भी नहीं किया और पूरे स्कूल में झूठी अफवाहें फैल रही हैं। नील को रोता देखकर बुडी को बहुत गुस्सा आता है और वो निकी के साथ लड़ने जाता है, क्योंकि वो नील की बॉडी में था इसलिए निकी उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन फिर वहाँ बुडी के शरीर में नील आती है और वो निकी को बहुत मारती है। फिर निकी सबके सामने बताता है कि उसने स्कूल में झूठी अफवाहें फैलाई हैं। ये सब होने के बाद नील और बुडी डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि उस स्टैचू की वजह से ही उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हुई है। फिर वो दोनों उस मूर्ति के पास जाते हैं और उस मूर्ति के सामने पहले जैसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस मूर्ति में कोई एक्टिविटी नहीं होती और वो निराश होकर घर आ जाते हैं। फिर उन दोनों को लगने लगता है कि अब उन्हें पूरी लाइफ ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन में नेल का एग्जाम होने वाला था और बुडी का फुटबॉल मैच भी होने वाला था। ये दोनों चीजें उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के काम में अच्छे नहीं थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। फिर हम देखते हैं नेल बुडी को पढ़ाना शुरू करती है और बुडी नेल को फुटबॉल खेलना सिखाता है। फिर ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते करते काफी टाइम बीत जाता है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो टाइम आ जाता है जब नेल का एग्जाम होने वाला था और बुडी का फुटबॉल मैच। फिर हम देखते हैं बुडी नेल की बॉडी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। दूसरी तरफ नेल बुडी की बॉडी में कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके बाद बुडी वहां पर आता है और नेल को चीयर अप करता है, जिससे नेल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो अच्छा खेलने लगती है और उसकी टीम मैच जीत जाती है। इसी दौरान वो मूर्ति फिर से अपना कमाल दिखाती है, जिसके बाद बुडी और नेल दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेट्स करते हैं।
तभी वहाँ पर फुटबॉल टीम आती है और बुडी को उठाकर नील से दूर ले जाती है। इसके बाद बुडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और वो उसे किस करती है। बुडी को किस करता देख नील अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब वो भी बुडी को पसंद करने लगी थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसी दिन बुडी नील से मिलने जाता है, लेकिन नील की माँ उसे मिलने नहीं देती। इसके बाद नील को यूनिवर्सिटी से लेटर आता है और उसकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो चुकी थी, जिसके लिए बुडी ने इंटरव्यू दिया था। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में फेयरवेल होने वाली थी और नील की डैड नील के पास आते हैं और दोनों बुडी के बारे में बात करते हैं। फिर नील उन्हें बताती कि वो सच में बुडी से प्यार करती है। इसके बाद उसके डैड बुडी की दी हुई गिफ्ट उसे देते हैं। इसके बाद फेयरवेल पार्टी होती है, जिसमें बुडी नील को ना देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद नील पार्टी में आती है और दोनों मिलते हैं, फिर प्यार का इजहार करते हैं और फेयरवेल के बाद दोनों घर जाते हैं और घर के बाहर दोनों किस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।